हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बताए थे कि लोडर को आप लोग कैसे चला सकते हैं, और इस वीडियो में हम बताएंगे कि लोडर का ट्रांसमिशन ऑयल चेंज कैसे कर सकते हैं और कितने घंटे में चेंज किया जाता है, प्लस इसमें कितना लीटर ट्रांसमिशन डाला जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे स्टार्ट कैसे डाला जाता है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? यही ट्रांसमिशन मतलब कैसे चेंज किया जाता है और कहाँ से चेंज किया जाता है, कितना घंटा में चेंज किया जाता है। तो मतलब इसका ट्रांसमिशन ऑयल को चेंज कैसे किया जाता है, ये लोडर क्या है इसे? ESDLG 958 हाँ। तो इसका ट्रांसमिशन कहाँ से चेंज किया जाता है और कहाँ से ड्रेन किया जाता है, तो बताइए। देखिए, अगर ट्रांसमिशन को एयर गेज दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में गेज को निकालेंगे, इस गेज को निकालेंगे जी, इसको बाहर खींचिए। बाहर खींचने के बाद में इसका गेज दिया हुआ है बराबर का, उसके बाद में वो गेज बराबर है, उसके बाद में तो मान लीजिए आपका मशीन ठीक है, और उसके बाद में अगर कम है तो ट्रांसमिशन डाल दीजिए, और उसके बाद में इसका ड्रेन प्लग दिया हुआ है नीचे उधर चेचिस के नीचे में बोल्ट, और इस बोल्ट को खोल कर ट्रांसमिशन को ड्रेन किया जाता है। और आप खड़ा बंद मशीन में चेक करेंगे तो थोड़ा सा ओवर बताएगा वो, अगर ये मतलब सुबह ही चेक करना है। हाँ हाँ हाँ, करने से पहले ही पहले, और उसके बाद में फिर चालू चालू रनिंग मशीन में चेक किया जाता है, चालू मशीन में, तो वो आपका वो गेज बराबर बताएगा जी। गेज के बराबर चालू मशीन में चेक करेंगे तो गेज बराबर बताएगा। हाँ मतलब गेज सही बताएगा। हाँ, अगर कम है तो डालिए, नहीं कम है तो चलाइए मशीन। अगर मान लीजिए बंद है, रात को बंद रहता है, और सुबह अगर चेक किया तो उसमें कम बताएगा, बताएगा उसमें ज़्यादा बताएगा। मशीन स्टार्ट रहेगा और उसी टाइम चेक करेंगे तो कम बताएगा ना, क्योंकि वो ट्रांसमिशन पूरा हर हर जगह बढ़ जाता है, पाइपों में सब चला जाता है, पाइप में चला जाता है, फिर ये सब चला जाकर जगह जगह बढ़ जाता है, इसके वजह से वो ट्रांसमिशन ऑयल कम बताता है गेज में। कम बताता है तो कम का जो गेज रहता है ना उसमें बराबर करने के लिए, तो वो गेज पे बराबर आएगा। चालू में भी आपको बताए गेज में दिखाता है कि यहाँ पे इतना चालू मशीन में गेज में इतना बराबर रहना चाहिए, बंद मशीन में इतना गेज में रहना चाहिए, आना चाहिए। तो इसको चेंज कितना घंटा में किया जाता है? चेंज हर 1000 घंटे में चेंज करना पड़ेगा आपको, ट्रांसमिशन फिल्टर, ट्रांसमिशन ऑयल और गियर ऑयल, और उसके बाद में एयर फिल्टर, पूरा सारा सिस्टम, हाइड्रोलिक छोड़ के नहीं, पूरा सब सारा चेंज करना पड़ता है। कितना घंटा में बोले? 1000 घंटे में। 1000 घंटा में चेंज किया जाता है। हाँ। और इसमें ट्रांसमिशन कितना लगता है, ये जो मॉडल क्या बताए इसमें? इसका ESDLG 958 मॉडल है, और उसके बाद में इसको मॉडल नंबर तो इसमें लिखा हुआ, मॉडल नंबर लिखा हुआ है पीछे लिखा है। तो इसमें कितना लीटर डाला जाता है ट्रांसमिशन? इसमें 18 लीटर ट्रांसमिशन डाला जाता है, और उसके बाद में 32 लीटर इंजन ऑयल डाला जाता है, 200 लीटर हाइड्रोलिक डाला जाता है। तो और हाइड्रोलिक मतलब 2000 घंटा हुआ था। हाँ, 2000 घंटे में इसको चेंज करना है। अगर आप इंजन ऑयल चेंज करेंगे तो हर 250 घंटे में इंजन ऑयल चेंज कर दीजिए, इंजन ऑयल का फिल्टर चेंज कर दीजिए, और 500 घंटे जाएगा तो आप इंजन ऑयल और उसके बाद में आउटर फिल्टर चेंज कर दीजिए, वाटर सेपरेटर चेंज कर दीजिए, डीजल फिल्टर चेंज कर दीजिए। जैसे कि इसमें ट्रांसमिशन डालेंगे तो कैसे करके डालेंगे? डालने के लिए गेज दिया है ना, इसको बाहर निकाल दीजिए गेज को। गेज हाँ, लगा हुआ हाँ, इसी से डाला जाएगा ना। हाँ हाँ, 18 लीटर। हाँ, और भी कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं, बस इतना है, और इसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो कुछ जानकारी लेना चाहेंगे वो पूछिए। ठीक है, बस। और हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो हमें कमेंट करना ना भूले, और हम उसकी आपकी पूरी मदद करेंगे। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें इसी तरह लोडर से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। तो और हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।